हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 18वें एशियन गेम्स से रिलेटेड जितने भी ए टू जेड क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स के लिए, सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो दोस्त इसको इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहां पे क्लिक करके आप इसका इंग्लिश वर्जन रीड कर सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है यहां पे, एशियाई खेल 2018 कब से शुरू हुए हैं? तो आपका आंसर होगा ये शुरू हुए हैं 18 अगस्त से, इनकी शुरुआत हुई है 18 अगस्त 2018 से एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया में। 18वें खेलों का, जो 18वें एशियाई खेल है, इनका आयोजन करवाया गया है इंडोनेशिया में। देखिए, जो वहाँ पे स्टेडियम है जहाँ पे ये इनका आयोजन हुआ है, उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, जो गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम है वहीं पर इनका आयोजन हुआ है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम में इनका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, पहली बार एशियाई खेल दो शहरों में आयोजित करवाए गए हैं जो क्रमशः है। तो देखिए, जो दो शहर में आयोजित करवाए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि जो एशियन खेल है तो वो दो शहरों में आयोजित करवाए गए हैं, उन शहरों का नाम क्या है? तो पहला नाम है इसमें जकार्ता और दूसरा नाम है पालेमबंग। देखिए, जकार्ता और पालेमबंग दोनों शहर कौन से देश में है? इंडोनेशिया में, और वहीं पर इनका आयोजन करवाया गया है एशियाई खेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, 18वें एशियाई खेलों की थीम क्या है? देखिए, थीम बोल सकते हो आप इसको, मोटो बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप विषय जो भी है। तो इसका जो 18वें एशियाई खेलों का मोटो है वो क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया, इसका इस बार का मोटो था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर रहा है? देखिए, शुभंकर जो रहा है इस बार 18वें एशियाई खेलों का, वो कौन रहा है? तो देखिए, शुभंकर जैसे कि आपको समझते होंगे, जो जिसको इंग्लिश में आप मॉस्कॉट कहते हैं, मॉस्कॉट, ठीक है, एक तरह से जो गेम्स मतलब कि कोई भी होता है उसका लोगो या उसकी पहचान होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें इसका जो शुभंकर रहा है इस गेमों में, वो रहा है स्वर्ण पक्षी, एक सिंह वाला गेंडा और हिरण, ये तीनों इसके शुभंकर रहे हैं। लेकिन इनको अलग नाम से इसमें पहचाना गया है, मैं आपको बता देता हूँ, इनका उपनाम इस गेम में रखा गया था, इसको जो मैं आपको बहुत बता रहा हूँ ध्यान से सुनना है, भिन्न भिन्न और काका और अतंग, इन तीनों नाम से इनको जाना गया है, भिन्न भिन्न, काका और अतंग के नाम से इनको जाना गया था इसके अंदर। ये तीनों शुभंकर रहे हैं एशियाई खेलों के। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 18वें एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? देखिए, जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें भारतीय दल था जो खेलों का, उसमें ध्वजवाहक किसने रखा, मतलब किसने ध्वजवाहक बने थे, कौन बने थे ध्वजवाहक? ठीक है, तो आपका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। देखिए, जो नीरज चोपड़ा है ये 18वें एशियाई खेलों में भारतीय टीम दल के टीम से उसकी ध्वजवाहक बने थे उसके। ठीक है, नीरज चोपड़ा की अगर बात करते हैं, देखिए इनका ये ध्यान रखना है, जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। किस खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा? ऐसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जेवलिन खेल से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से, यानी कि भाला फेंक जिसको बोलते हैं, उसी प्रतियोगिता से संबंध है नीरज चोपड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 18वें एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? देखिए, यहाँ पे गोल्ड मेडल की हमने बात की है, तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है एशियाई खेलों में? बजरंग पूनिया ने जीता है। देखिए, जो बजरंग पूनिया है एक फ्री स्टाइल रेसलर है, यानी कि कुश्ती से संबंधित है। इनका संबंध किससे? बजरंग पूनिया का कुश्ती से इनका संबंध है। ठीक है, फ्री स्टाइल रेसलर है, और इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था, जो 65 किलोग्राम भार वाली जो यहाँ पे प्रतियोगिता थी, कुश्ती की भार वाली प्रतियोगिता थी, उसके अंदर इन्होंने ये पदक जीता है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपको, हर एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि कौन सा खिलाड़ी का किस खेल से संबंधित है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस खिलाड़ी ने भारत के लिए निशानेबाजी प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो देखिए यहाँ पे ओनली निशानेबाजी प्रतियोगिता की हमने बात की है, निशानेबाजी में पहला जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? तो आपका आंसर जगह ये जीता है सौरभ, यहाँ पे देखिए सौरभ चौधरी है, इन्हीं के द्वारा एशिया खेलों का पहला गोल्ड मेडल जीता था, निशानेबाजी की प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखिए इसकी बात करते हैं, सौरभ चौधरी की, तो ये मेरठ निवासी है, जिन्होंने जो 10 मीटर की एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा थी उसी के अंदर इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देखिए पूछा जा सकता है सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है जो यहां पर निशानेबाजी है उससे संबंधित है सौरभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो देखिए यहाँ पे प्रथम महिला की हम बात कर रहे हैं जो स्वर्ण पदक जीता है जिन्होंने एशियाई खेलों में, तो आपका आंसर होगा राही सरनोबत।
देखिए जो राही सरनोबत है ये पहली महिला बन चुकी है एशियाई खेलों में निशानेबाजी की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली। देखिए जो राही सरनोबत है ये महाराष्ट्र निवासी है जिन्होंने 25 मीटर की एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में ये गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी प्रतियोगिता में जीता है? 25 मीटर की जो एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा है उसमें इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हॉकी में पराजित करके 86 वर्षों की सबसे बड़ी जीत हासिल की है? तो आपका आंसर होगा हांगकांग। देखिए जो हांगकांग है उसी को हराकर भारत ने 86 वर्षों की सबसे बड़ी जीत का यहाँ पे हॉकी में हासिल की है। ठीक है, भारत ने हांगकांग को कितने से हराया है? 26-0 से भारत ने हांगकांग को पराजित करके इसमें ये मेडल जीता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई खेलों की डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है? देखिए जो एशियाई खेलों की डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा थी उसमें किस भारतीय ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका शार्दुल विहान। देखिए जो शार्दुल विहान है इन्हीं के द्वारा डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा में कौन सा मेडल जीता गया है? ये जीता गया है रजत पदक, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन बोपन्ना व दिविज शरण ने मिलकर किस खेल की पुरुष युगल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो आपका आंसर होगा ये जीता है इन्होंने टेनिस की। देखिए जो टेनिस की पुरुष युगल की जो प्रतिस्पर्धा थी उसके अंदर कौन सा मेडल जीता है? रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए इनका संबंध आपको ध्यान रखना है, रोहन बोपन्ना दिविज शरण किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, पुरुष युगल की प्रतियोगिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए यहाँ पे पुरुष कबड्डी टीम की हम बात कर रहे हैं, हमें रख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, भारतीय रोइंग टीम ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक हासिल किया है? तो आपका आंसर होगा रोइंग टीम जो है इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय रोइंग टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक इसमें, सॉरी स्वर्ण पदक इसमें हासिल किया है इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल ने गोला फेंक प्रतियोगिता में कितनी दूरी का गोला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो आपका आंसर होगा 20.75 मीटर का गोला फेंक कर इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी प्रतियोगिता में? गोला फेंक की जो प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने तेजिंदर पाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया है 20.75 मीटर की गोला फेंक कर। तेजिंदर पाल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है गोला फेंक प्रतियोगिता से। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है इसके अंदर एशियाई खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, भारतीय धावक हीमा दास ने कितने मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है? तो आपका आंसर होगा इन्होंने जीता है, ये 400 मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धा थी इन्हीं के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक इन्होंने जीता है। आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना है इन्होंने जो दौड़ पूरी की है कितने सेकंड में पूरी की है, कितने टाइम पूरी की है? तो 50.79 सेकंड में, 50.79 सेकंड में इन्होंने ये 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा है ये पूरी की है। और साथ ही अपना इसका जो पहला रिकॉर्ड था इससे पहले का उसको इन्होंने तोड़ दिया है। देखिए इस प्रतियोगिता में जो गोल्ड मेडल जीता है वो आपको ध्यान में रख लेना है, सलवा नासिर जो है बहरीन की जो प्लेयर है सलवा नासिर, इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा को पूरा किया था केवल 50.9 सेकंड में और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जबकि हमारी जो भारतीय प्लेयर है उसने कितनी देर में पूरा किया है? 50.79 सेकंड में। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, एशियाई खेलों की किस भारतीय महिला खिलाड़ी द्वारा 100 मीटर की दौड़ में प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है? देखिए 100 मीटर की जो दौड़ प्रतिस्पर्धा थी उसमें किस भारतीय महिला ने रजत पदक जीता है? तो आपका आंसर होगा दूति चंद। देखिए जो दूति चंद है इन्होंने 100 मीटर की प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और इसी के साथ एक और प्रतिस्पर्धा इन्होंने जीती थी जो थी 200 मीटर की, 200 मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धा में भी इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। इसी के साथ इन्होंने 2 पदक यहाँ पे जीत लिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और देखिए ये भी ध्यान रख लेना दूति चंद का संबंध किस खेल से, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है धावक है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेलों की जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो आपका आंसर होगा ये जीता है, देखिए यहाँ पे जो जो गुरु यहाँ पे नीरज चोपड़ा है। ठीक है, नीरज चोपड़ा है, इन्हीं के द्वारा इसके अंदर एशियाई खेलों की जो जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा है इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल किया है। देखिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पहला चांस है, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा
में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले अगर बात करता हूँ तो जेवलिन थ्रो में एक रजत पदक जीता गया था, वो जीता गया था जो 1982 में एशियाड खेले हुए थे दिल्ली एशियाड में, उन्होंने गुरतेज सिंह ने रजत पदक जीता था केवल, और ये पहली बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों की बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? तो बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में जो रजत पदक हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है वो कौन बनी है? पीवी सिंधु बन गई है। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित, इनका किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, और कौन सा पदक इन्होंने जीता है? रजत पदक इन्होंने जीता है, और ये पहली महिला बन गई है एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीतने वाली? रजत पदक जीतने वाली। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए इसी प्रतिस्पर्धा में जो साइना नेहवाल है उन्होंने कांस्य पदक जीता है, सेम यही जो प्रतिस्पर्धा थी इसमें जो भारतीय प्लेयर साइना नेहवाल है उन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है, और पीवी सिंधु ने कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कुरास जो कि एक कुश्ती का ही रूप है, कुश्ती जो एशियाई कुश्ती है एक तरीके से, इसका नाम है कुरास, और इसकी महिला वर्ग की प्रतिस्पर्धा में किस भारतीय ने 52 किलोग्राम भार वाली प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है? तो आपका आंसर होगा पिंकी बलहारा। देखिए जो पिंकी बलहारा है इन्होंने जो 52 किलोग्राम भार वाली जो कुश्ती प्रतिस्पर्धा थी उसके अंदर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रतिस्पर्धा में जो MY जादव है भारतीय प्लेयर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जो MY जादव इनका संबंध किस खेल से है? ये भी कुश्ती से संबंधित है, कुरास नाम जो कुश्ती है इससे, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और जो पिंकी बलहारा है इन्होंने कौन सा जीता है? इन्होंने जीता है जो यहाँ पे रजत पदक, ठीक है, ये जो रजत पदक है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, किस भारतीय ने महिला हेप्टेथलॉन प्रतिस्पर्धा में 26 पॉइंट हासिल करके गोल्ड मेडल जीता है? देखिए जो हेप्टेथलॉन महिला हेप्टेथलॉन की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें 6026 पॉइंट हासिल करके गोल्ड मेडल किस भारतीय महिला ने जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा स्वपन बर्मन्ना। देखिए जो स्वपन्ना बर्मन्ना है इन्हीं के द्वारा इस प्रतिस्पर्धा में यहाँ पे कौन सा पदक जीता गया है? गोल्ड मेडल जीता है। जो महिला हेप्टेथलॉन की प्रतियोगिता थी उसमें स्वपन्ना बर्मन्ना ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, एशियाई खेलों की इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली बर्मन पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, ये इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ये पहली भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल यहां पे हासिल किया है महिला हेप्टेथलॉन की प्रतिस्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, किस भारतीय एथलीट ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है? देखिए जो ट्रिपल जंप की प्रतिस्पर्धा थी उसमें किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा यहां पे, देखिए जो हरपिंदर सिंह है इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, और इन्होंने 16.77 मीटर की छलांग लगाकर ये गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत के लिए ट्रिपल जंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धा 3 मिनट 1.5 सेकंड में पूरी करके कौन सा पदक हासिल किया है? तो आपका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर की जो दौड़ प्रतिस्पर्धा थी उसके अंदर कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल, और कितनी देर में इन्होंने पूरी की है प्रतिस्पर्धा? 3 मिनट और 1.5 सेकंड में इन्होंने पूरी की है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, और ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, जिनसन जॉनसन का संबंध किस खेल से है? ये है धावक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 18वीं एशियाई खेलों में अमित पंगाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया है जिनका संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर होगा मुक्केबाजी से संबंधित। देखिए जो अमित पंगाल है ये कौन से खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है, और इन्होंने 18वीं एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है मुक्केबाजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, प्रणव वर्धन व शिवनाथ सरकार ने भारत के किस प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? देखिए जो प्रणव वर्धन है और जो शिवनाथ सरकार, इन दोनों ने युगल जोड़ी थी इनकी, जिनमें इन्होंने जो पदक जीता है स्वर्ण पदक वो जीता है दोस्तों ब्रिज नाम की जो प्रतिस्पर्धा है जिसको आप ताश का गेम कहते हैं, उसी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय टीम ने जो है इस ब्रिज स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे जो ध्वजवाहक बना है वो बना है रानी रामपाल। देखिए जो रानी रामपाल है ये किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी टीम से संबंधित है, मतलब हॉकी से संबंधित है। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है, और ये जो है जो समापन समारोह था उसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक बने थे, और जो शुरुआत था उसमें कौन बना था? नीरज चोपड़ा बना था, जबकि हमने ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे, एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं?
तो आपका राइट आंसर होगा 69 पदक इसमें भारत ने हासिल किए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कैटेगरीज वाइज यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, 24 रजत पदक जीते हैं और 30 कांस्य पदक जीते हैं। देखिए मैंने जो सुबह करंट अफेयर का एक वीडियो बताया था उसमें बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे 29 बता दिया था आपको, तो उसके आप करेक्शन कर लीजिएगा, वैसे मैंने बाद में उसको अपडेट कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है 24 तो इसके अंदर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते हैं, 15 गोल्ड मेडल जीते हैं और 30 कांस्य पदक जीते हैं। ऐसे मिला के कुल कितने पदक जीत लिए भारत ने इसमें, 69 पदक इसमें जीते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको साथ यहां पे शेयर कर देता हूं। भारत को सबसे अधिक कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड पदक जीते हैं, तो एथलेटिक्स की जो प्रतियोगिता थी उसमें भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 7 गोल्ड इसमें जीते हैं, 10 रजत पदक इसमें जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो निशानेबाजी की प्रतियोगिता थी उसमें 2 पदक जीते हैं, कुश्ती की जो प्रतियोगिता थी उसमें 2 पदक जीते हैं। इस तरीके से यहां पर इन्होंने पदक जीते हैं भारत ने। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पदक कौन सी प्रतियोगिता में जीते हैं? एथलेटिक्स की प्रतियोगिता में जीते हैं। जितने कितने जीते हैं? 19 पदक इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखिए पॉइंट टेबल की आपके लिए जानना जरूरी है, कौन सा देश टॉप पे रहा है और हमारा इंडिया कहां पे रहा है। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए यहां पे सबसे बात करते हैं, टॉप पे रहा है इसमें चाइना, चाइना टॉप पे रहा है इसके अंदर। उसके बाद में जापान, चाइना ने कितने पदक जीते हैं? गोल्ड इसने चाइना ने जीते, कितने जीते हैं? ये जीते हैं, देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। तो चाइना ने इसमें जीते हैं 132 गोल्ड जीते हैं, 92 सिल्वर जीते हैं और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 65। ऐसे मिला के चाइना ने 289 यानी कि 289 इसमें टोटल मेडल जीते हैं और इसमें पदक तालिका में फर्स्ट नंबर पर रहा है। जापान रहा है दूसरे नंबर पर जिसने 75 गोल्ड मेडल जीते हैं, 56 सिल्वर मेडल जीते हैं और यहाँ पे जो 74 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ऐसे मिला के 205 इन्होंने गोल्ड मेडल टोटल मेडल इसमें जीत लिए हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर रहा है जिसने 49 गोल्ड जीते हैं, 58 यहाँ पे सिल्वर जीते हैं, 70 ब्रॉन्ज जीते हैं, ऐसे मिला के 177 जीत लिए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेबल पूरी मैंने यहाँ पे उपलब्ध करवा दी है। इसमें लास्ट में अगर यहाँ पे इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया कौन से नंबर पर रहा है? इसमें इंडिया रहा है 8वीं रैंक इंडिया को इसमें मिली है पदक तालिका में। ठीक है, देखिए इंडिया ने 15 इसमें देखिए जैसे कि मैंने बताया गोल्ड जीते हैं, 24 सिल्वर जीते हैं और यहाँ पे 30 ब्रॉन्ज जीते हैं, ऐसे मिला के 69 पदक इंडिया ने जीत लिए इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये पदक तालिका की लिस्ट भी आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, इस तरीके से ये देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर दबाइएगा, लाइक बटन है उसको जरूर दबाते जाइएगा और साथ ही यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में जो साइड में बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि आने वाली सारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए। सो अभी के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।